नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका स्वाद का मित्र और आज हम बनाएंगे पॉम्फ्रेट फिश फ्राई। पॉम्फ्रेट फिश को बटर फिश भी कहा जाता है। यह एक समुद्री मछली है। इसे कोस्टल रीजन में बहुत ही चाव से खाया जाता है। इसका टेस्ट बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसमें विटामिन ए, बी, डी के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए पॉम्फ्रेट फिश स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। तो चलिए मिलकर बनाते हैं पॉम्फ्रेट फिश फ्राई। पॉम्फ्रेट फिश फ्राई बनाने के लिए मैंने पॉम्फ्रेट फिश लेकर उसको कट कर लिया है और साफ कर लिया अच्छी तरह से और स्लिट्स लगा लिए। इस तरह से स्लिट्स लगाने से मसाले फिश में अच्छी तरह से लग जाएंगे और एक अच्छा टेस्ट डेवलप करेंगे। पॉम्फ्रेट फिश फ्राई बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये देखिए, ये बेसन है। बेसन के साथ में हमने लिया है नींबू, नींबू के साथ थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और ये अदरक लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट और साथ ही सरसों का तेल। इस फिश फ्राई के लिए मैंने मसाला बनाया है, ये होममेड मसाला है। इसमें मैंने लिए हैं जीरा, सूखा धनिया, अजवाइन और काली मिर्च। इसको तवे पर रोस्ट कर लिया है और इसको कोर्सली पीस लिया है। पॉम्फ्रेट फिश फ्राई के मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें डालेंगे सरसों का तेल। शामिल करेंगे बेसन, कॉर्न स्टार्च थोड़ा सा, इसके साथ ही ये नींबू का रस मिलाएंगे। मिक्स करेंगे। अब शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा शामिल करेंगे हमारा होममेड मसाला जो भी हमने बनाया था। कलर के लिए हम यूज करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा मैरिनेशन का मसाला अच्छे तरह से तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छा कलर आया है, मसाला तैयार हो चुका है। फिश पे अच्छी तरह से कोट करेंगे और या तो स्पून की हेल्प से या फिर आप हाथ से भी इसको अच्छी तरह से कोट कर सकते हैं। इनके स्लिट्स को मसालों के साथ में अच्छी तरह से फिल कीजिए। ये देखिए अच्छी तरह से मसाले को कोट कीजिए, कोई भी हिस्सा रहने ना पाए और इसके पॉकेट्स में आप इसको मसाले को अच्छी तरह से लगाइए। फिश मैरिनेट हो चुकी है, आधा घंटा रेस्ट के लिए छोड़ेंगे इसको ताकि मसालों का टेस्ट फिश में समा जाए। तो चलिए मिलते हैं आधे घंटे बाद। चलिए अब हम फिश को फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लिया है, उस पर डालेंगे ऑयल। ऑयल को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। ऑयल हम कम ही यूज करेंगे क्योंकि हम नॉनस्टिक तवा यूज कर रहे हैं। फिश को तवे पर रखेंगे, दूसरी फिश भी रखेंगे। एक साइड से हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे, उसके बाद इसको फ्लिप करेंगे और फिर दोबारा 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। हीट इस समय हमारी लो टू मीडियम है। फ्लेवरिंग के लिए हम इस पर कड़ी पत्ता डाल देंगे, इससे ऑयल में कड़ी पत्ते का एक अच्छा फ्लेवर समर्ज हो जाएगा। फिश को फ्लिप करके दूसरी साइड में पकाएंगे। वाओ, ये देखिए कितनी अच्छी कोटिंग आ गई है हमारी फिश पर। ये देखिए
जब तक फिश फ्राई होती है तब तक आप एक पोएम सुनिए। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। मछली जल की रानी है, हमको मछली खानी है। ये देखिए फिश हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, दोनों तरफ से हमारी अच्छी तरह कोटिंग हो चुकी है। गोल्डन क्रस्ट वाली पॉम्फ्रेट फिश फ्राई बनकर तैयार है। ये देखिए दोस्तों पॉम्फ्रेट फिश फ्राई बनकर तैयार है। बहुत ही शानदार लुक है इसका और स्वाद में भी बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं।